हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस के घर में पायल और कृतिका में से हर बार अरमान कृतिका को ही क्यों चुनते हैं, ये देखकर अब पहली बार बोली पायल। क्या बोली पायल ऐसा और क्यों, सुनने के बाद लगा अरमान को भी बड़ा झटका। चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर में आपने देखा किस तरीके से अरमान सिर्फ और सिर्फ कृतिका के साथ ही बेड शेयर करता है, वो पायल के साथ कभी नहीं सोता। पायल ने जबकि ये बात अरमान से कही भी थी, लेकिन तब भी नहीं सुनी उसने पायल की ये बात, लेकिन आज तो सारी हदें पार हो गई। अरमान ने पहले जमकर पायल को डांटा क्योंकि पायल बिग बॉस के खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रही थी। उसने बगावत कर दी थी और कह दिया था कि मैं खाना खाऊंगी ही नहीं, जाओ रोटी नहीं बनती तो मैं भी नहीं खाती। ऐसे में यहां पर पायल को पहले उसने डांटा और उसके बाद कृतिका से कहता कि इसमें तो अकल है नहीं, तू आ जा, चल मेरी दाढ़ी को जल्दी से ब्लैक कर दे। ऐसे में कृतिका फटाफट से अपनी मेकअप प्लेट यानी कि अपनी आई शैडो की पैलेट को लेकर जाती है, ब्रश को लेकर जाती है और अरमान की दाढ़ी को ब्लैक करने लगती है। ये देख रही होती है पायल। पायल को बहुत बुरा लग रहा होता है, पायल को फील हो रहा होता है क्योंकि अरमान के सामने वहां पर उस वक्त पायल भी खड़ी थी, लेकिन हर बार वो कृतिका से ही अपने काम करवाता है। आफ्टर ऑल पायल भी अरमान की बीवी है, लेकिन जिस तरीके से अरमान ने सबके सामने पहले पायल की बेइज्जती की और फिर कृतिका से ये कहा कि तू ही करेगी मेरी दाढ़ी को ब्लैक, ये देखकर पायल को बहुत बुरा लगा। पायल की आंखें भर आईं और पायल ने ये कह दिया, मैं भी यहीं पर खड़ी थी, तुम मुझसे भी कह सकते थे, तुम्हें हर बार में इसी से काम करवाना होता है। ये बोलकर पायल वहां से चली गई। कृतिका अरमान की दाढ़ी को कलर करती रही और उसके बाद पायल बाथरूम के अंदर घुस गई। जाहिर सी बात है कि पायल बाथरूम के अंदर घुस के रो रही होगी। बिग बॉस भी कहीं ना कहीं अब ये समझ रहे हैं कि पायल दर्द में है और बिग बॉस जल्द ही इस चीज का खुलासा जनता के सामने भी करेंगे। बिग बॉस जल्द ही इन तीनों के गेम का, इन तीनों की असलियत का खुलासा कर देंगे, बता देंगे कि पायल कितने ज्यादा पेन को सह रही है। वेल दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप सच्चाई को देखने के लिए, कमेंट्स में आप हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।